नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जब घर बनाने के लिए आप रेडी होते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं। उस कंफ्यूजन को मैं लगातार दूर करता रहूंगा और आज ये वीडियो में आपको बता रहा हूं कि मार्बल और ग्रेनाइट में क्या अंतर है। जब भी आप अपने घर को रेनोवेट करने के लिए या नए घर के अंदर किचन प्लेटफॉर्म, फ्लोरिंग, टाइल्स, ये विंडो की फ्रेम, ये सब लगाने के लिए जब भी आप तैयार होते हैं, अपने आर्किटेक्ट या अपने कॉन्ट्रेक्टर के साथ में बैठ के या अपने फैमिली मेंबर के साथ में बैठ के जब बातचीत करते हैं, तो एक चीज में कंफ्यूजन आपको शायद आ सकता है कि हम लोग मार्बल लगाएं या ग्रेनाइट लगाएं, या मार्बल कहां लगता है और ग्रेनाइट कहां लगता है, या दोनों में अंतर क्या है, वो मैं आज आपको बताता हूं। ग्रेनाइट, ये आप देख सकते हैं यहां पर इतने ग्रेनाइट के सैंपल लग रहे हैं और ये एक ग्रेनाइट है, ये जैसे कि एक ब्लैक ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट बहुत हार्ड होता है, बहुत ड्यूरेबल होता है, और इसके ठीक विपरीत मार्बल बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपको फ्लोरिंग में लगाना है तो मार्बल लगाना चाहिए, क्योंकि मार्बल ठंडा रहता है, ग्रेनाइट गर्म रहता है। ये दोनों का बेसिक अंतर है। तो मार्बल और ग्रेनाइट का डिफरेंस ये हुआ कि मार्बल बहुत ठंडा, ग्रेनाइट गर्म। ग्रेनाइट बहुत मजबूत, ड्यूरेबल, और मार्बल थोड़ा सॉफ्ट होता है। इसको आप किचन प्लेटफॉर्म में लगा सकते हैं, उसको आप किचन के नीचे फ्लोरिंग में लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रेनाइट के अंदर कोई भी एसिड, नींबू जैसे हम किचन में यूज करते हैं, तो किचन प्लेटफॉर्म पे अमूमन ग्रेनाइट इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो कोई भी एसिड की चीज वहां गिरेगी तो वो उसको सोखेगा नहीं और खराब नहीं होगा। इसके ठीक विपरीत मार्बल अगर अपन लगाते हैं तो वो खराब होता है, इसलिए मार्बल को हम फ्लोरिंग में लगाते हैं। ये मार्बल और ग्रेनाइट, जैसे कि ग्रेनाइट की पूरी मंडी साउथ में थी, साउथ में है अभी भी पूरे, आज मुंबई में हम लोग बहुत सारे जो ये ग्रेनाइट के आप कलर देख रहे हैं, 100 से ज्यादा कलर हम लोग स्टॉक करके रखे हैं, और वो सारे साउथ से और अभी राजस्थान से और गुजरात से, यहां से हम लोग लाते हैं प्रोसेस करके और पूरे मुंबई में हम लोग सप्लाई करते हैं। और जो मार्बल है वो भी पूरा राजस्थान से आता है। तो दोस्तों, आपको अगर फ्लोरिंग लगानी है तो मार्बल लगानी है, किचन प्लेटफॉर्म में आपको जाना है तो ग्रेनाइट लगाना है, और विंडो की फ्रेम में अगर आप क्या पूछेंगे तो विंडो की फ्रेम में भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ग्रेनाइट लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी मजबूती के लिए बहुत स्ट्रांग और बेस्ट चीज है। अगर इसकी अपन रेट की बात करें, क्योंकि यहां मुंबई के अंदर बाहर से लाने का कम से कम 20 से 25 या 30 रुपए तक खर्चा ट्रांसपोर्ट का आ रहा है आज के तारीख में। जीएसटी से हमारे इस प्रोडक्ट पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है, जीएसटी से इसमें कोई महंगा, अगर कोई व्यापारी बोलता भी है कि जीएसटी से महंगा हुआ है तो इसमें वो गलत है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इसका जो रेट है, कोई भी मार्बल एकदम हल्के से हल्का मार्बल 50 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है, और ग्रेनाइट जो है वो लगभग 100 रुपए पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है। काफी रेंज है, ब्लैक ग्रेनाइट के अंदर भी बहुत रेंज है, और ग्रेनाइट के अंदर बहुत सारे कलर है। मार्बल के अंदर जैसे कि ग्रीन मार्बल है, आज की तारीख में मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा चलता है, चीप एंड बेस्ट है। और एक छोटा सा आपको जानकारी मैं और देना चाहूंगा, मार्बल और ग्रेनाइट के जब भी आप अपन किसी शोरूम पर आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं कंपोजिट मार्बल लगाएंगे क्या। तो कंपोजिट मार्बल क्या होता है ये आपके दिमाग में आता होगा प्रश्न, कंपोजिट मार्बल नेचुरल नहीं है जबकि मार्बल और ग्रेनाइट नेचुरल है। ये कंपोजिट मार्बल बनाया हुआ है केमिकल से, टाइल्स को जिस तरह से प्रोसेस करके बनाते हैं वैसे नेचुरल जैसे कंपोजिट को भी अपन बनाते हैं। इसके अंदर इतने शेड से आप देख सकते हैं, इसमें ये गैलेक्सी टाइप गोल्डन दाने भी है, सिल्वर दाने भी है, इसके अंदर प्लेन व्हाइट भी है, ये 10x4 की सीट मिलती है। दोस्तों, ये आज इसको यहीं अपन खत्म करेंगे और आगे और भी कुछ कंफ्यूजन रहेंगे तो मैं आपको गाइड करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।